आज जब सावित्री और महेंद्रनाथ की बात करते हैं तो हम इस लेवल पर जब अगर सोचना शुरू करें तो उस नाटक पूरी तरह झूठा हो जाता है। तब इस लेवल पर भी आता है कि ये महेंद्रनाथ और सावित्री की आर्थिक समस्याओं के कारण पूरा नाटक है। आज ही पूरा नाटक मेरे सामने 2005 में एक प्रतीक के रूप में आता है। उनकी आर्थिक समस्या से बड़ी समस्या उनकी अपनी समस्या है। कोई ये कहे कि महेंद्रनाथ सावित्री के बाहर है या सावित्री महेंद्रनाथ के बाहर है, ना, उनके अंदर है। इतना प्रगाढ़ प्रेम है उनके बीच। आ उनके अच्छे दिनों की बातें नाटक में कहीं के छू कर जाते हैं। उन अच्छे दिनों की बातें जब ये बच्चे कंसीव किए गए होंगे, जिन बच्चों को जन्म दिया गया होगा, और उनके भविष्य की बातें सोची गई होंगी, और फिर भाग्य का अपना खेल, साथियों का अपना खेल कि आज ये स्थिति हो गई। अब वो बिटरनेस और बाजार, वो सब चीज़ें घर में आना शुरू हो गई। जब सिंघानिय घर में आता है तो बाजार ही तो आता है भाई, जब जगमोहन आता है तो बाजार ही तो आता है, और जब मनोज यहाँ इस घर में आता है कि बराबर उसकी सावित्री के साथ प्रेम करता हुआ, आज के शब्दों में कहें फ्लर्ट करता हुआ, या सावित्री से प्रेम करता हुआ उसकी बेटी के साथ फ्लर्ट करके ले जाता है, बात फिर शरीर पर आई, और कि वो उस घुटन से निकलकर बार बार भागती है, वो कहता है कोई चीज़ तो अपने साथ लेकर आई हो, वो भी ढूंढने जाती है। अब इस बाजार में उस घर की तलाश कर रही है, इस घर में वो घर बचा नहीं है, उस घर में वो जो एक हवा जिसे कहते हैं, जिसके बारे में जिक्र करती है हवा, महेंद्र यहां से रह रहकर भागता है, सावित्री भागने की तैयारी में है, और बेटा भाग जाना चाहता है, कभी भाग जाएगा। हाउ कैन सावित्री बी रॉन्ग, वो ही स्पीच है जिसमें बार बार बात कर रही है, जो भी जैसा भी था महेंद्र जैसा नहीं था, जुनेजा कहता है। माने सावित्री हर जगह महेंद्र की तलाश कर रही है, महेंद्र कहीं उसके वजूद में समाया हुआ है, महेंद्र ने उसे पूर्णता दी, महेंद्र ने उसके साथ घर बसाया, महेंद्र ने उसके साथ उस हवा में सांस लिया जिसे हम घर कहते हैं, और घर का ऑब्सेशन राकेश जी का जग प्रसिद्ध है। तो मैं समझता हूँ कभी कोई रचनाकार जैसे नाटक लिखता है तो पात्र ही उसको शायद डिक्टेट करते होंगे कि अब तुम हमें ऐसा बनाओ। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों का तो जैसे आपसे ही अपना कुछ छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र अब पहले की तरह दोस्तों में खिलता नहीं, महेंद्र पहले जैसा महेंद्र रह ही नहीं गया, और इसके लिए महेंद्र की हर पल यह कोशिश रहती है कि वह वही बना रहे किसी तरह। कोई उसे यह ना कह सके कि वह पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया, और इसके लिए वह घर में दिन रात छटपटाता है, दीवारों से सर फोड़ता है, बच्चों को पीटता है, पत्नी के घुटने तोड़ता है। आप दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा ही नहीं आता। आप दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने का जो वसीला है वही उसका मुख्य काम रह गया है जिंदगी में, और उसका ही क्यों, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला लोगों से ठीक से बात क्यों नहीं करती, हाँ तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो। तुम अपने को पढ़ा लिखा कहती हो ना, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की भी तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह हंसना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती रहती हो, क्यों? और वही महेंद्र दब्बू बना दोस्तों के बीच हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है, पता नहीं कब किसे नोच डालेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में आकर अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगेगा। बोल बोल, चलेगी कि नहीं उस तरह जैसे मैं चाहता हूं, करेगी कि नहीं वह सब जैसे मैं कहता हूं, बोल। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, नहीं मानती वह सब, वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। यह
यह बात वह गला फाड़ फाड़ कर कहती है, कभी इस आदमी को ही आदमी बना सकने की कोशिश करती है और कभी तड़प कर इससे अलग हो जाना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से इस आदमी में थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगता है तो आप दोस्तों में उसका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री बेचारी महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारी महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने देना चाहती। जैसे वह आदमी न होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वह बेचारा महेंद्र। सावित्री का जो चरित्र है वो कुछ लोगों का यथार्थ हो सकता है, पर सबका यथार्थ है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सावित्री की का जो भी कुछ चरित्र है उसमें बहुत हद तक उसका व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं जो सावित्री के चरित्र को गढ़ती हैं या बनाती हैं। जिन परिस्थितियों का जिक्र हुआ है इस नाटक में, क्या वो 70 के दशक के यथार्थ के निकट हैं? बहुत हद तक 70 के, बल्कि मैं बोलती हूँ 70 से बहुत आगे के यथार्थ के निकट हैं। हम जब आधुनिक मानव की बात करते हैं तो आधुनिक मानव क्या है? जिसकी आस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, जिसके अंदर स्वत्व नहीं है, जैसा महेंद्र नाथ में नहीं है, और वही अधूरापन किसको बार बार महसूस हो रहा है? सावित्री को। पर दरअसल हकीकत यह है कि सावित्री खुद भी जो है अधूरी है, और अपने अधूरेपन की तलाश वो महेंद्र नाथ में कर रही है या अन्य पुरुषों में कर रही है। तो एक अपनी इच्छा शक्ति पर एक तरह की मानसिक कुंठा से उसका ग्रसित हो जाना, या अपने स्वत्व को ख़त्म कर देना, अपने आप को, ये सारी बातें एक आधुनिक मानव की हैं। और वो एक बहुत बड़ा ये विजन है मोहन राकेश का कि 70 में जब वो लिखते हैं तो वो बातें आज भी बहुत हद तक, ऐसा लगता है कि 70 में वो कुछ आगे का लिखते हैं और आज वो शायद हमारे आसपास का है। मतलब 70 के दशक में जो सावित्री अतिरंजित चित्रित थी, हाँ, आज वो कुछ सत्य के निकट पहुंचती हुई महसूस होती है जी। पर जब हम बात करते हैं सावित्री की, तो आपको आपको भी शायद ये महसूस होगा कि एक तरफ आर्थिक स्वातंत्र्य की बात है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना ज़रूर है कि महेंद्र चूंकि पुरुष है तो अर्थार्जन जो है वो पुरुष के की जिम्मेदारी है, ऐसा और लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि बार बार जो उलाहने हैं या उसके उसे अपने जीवन में जो सबसे बड़ी अभी कमी नज़र आ रही है, वो कमी कहीं ना कहीं महेंद्र का अर्थ का उपार्जन नहीं करना उसकी एक तल्खी का जो है वो कारण है। तो एक तरफ तो एक बड़ा विरोधाभासी सचरित्र है कि एक तरफ तो वो आर्थिक स्वतंत्र की बात है, वो चाहती है तो अपने परिवार को चला सकती है और चला भी रही है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक शोभ है या एक उसके अंदर एक जो घुटन है जो बार बार बाहर निकल कर आती है, वो शायद इसी आधार पर है कि वो चाहती है कि महेंद्र चूंकि पुरुष है, घर का पुरुष है, इसलिए अर्थ उपार्जन करना पहली उसकी जिम्मेदारी है। सावित्री का जो रूप आया है और ये जो व्यक्तित्व आया है, ये शायद किसी पुरुष की सोच की वजह से ही है। जैसे सबसे पहली नायिका का देवी होना आवश्यक है और दूसरी नायिका का रूपा होना आवश्यक है, ये तीसरी नायिका का गृहिणी होना आवश्यक है, और शायद ये उस गृहिणी की ही शिकायत है कि उपार्जन करने वाला पुरुष अपना कार्य नहीं कर पा रहा। दरअसल अगर सावित्री के अंदर ये भावना नहीं होती या राकेश मोहन राकेश जी उसे चित्रित नहीं कर पाते, तो शायद सावित्री में और मल्लिका में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं रह जाता। इसका मतलब यानी ये जो हमारे नाटककार हैं उनकी दृष्टि के कारण ही, दृष्टि में जो भेद आया या जो भी कुछ कहें उसके कारण मल्लिका से बढ़ते बढ़ते आज ये सावित्री का रूप उपलब्ध हुआ। दूसरी बात एक और है कि हम आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ हद तक इस नाटक को और इसके चरित्रों को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं, पर कहीं ना कहीं जो मोहन राकेश ने सावित्री का जो चरित्र चित्रित किया है उसमें जो परिस्थितियाँ बनी हैं वैसी परिस्थितियाँ निश्चित तौर पर ना तो मल्लिका के साथ रही हैं और ना ही सुंदरी के साथ में रही हैं। तो परिस्थितियों का योगदान और सावित्री का खुद का अपना व्यक्तित्व,
ये सारी चीज़ें मिलकर सावित्री को एक अलग धरातल पर खड़ा करते हैं। ये तीनों पात्र अगर हम देखें, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप नाटक में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब लगातार ये महसूस होता है कि सावित्री घर के लिए हलाल हो रही है, वो बहुत बेचारी है, वो जो भी कुछ कर रही है घर के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और हम ये बोल सकते हैं कि वो शायद इस गलतफहमी की शिकार है, और जब बेटा यानी अशोक उसके इस भ्रम को तोड़ता है कि क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, तो वह बहुत बुरी तरह से तिलमिला जाती है। आप जब बात करते हैं मल्लिका की, तो मल्लिका ये कहती है कि तुम बन रहे थे और मैं सोच रही थी मैं बन रही हूँ। तो ये दोनों जो फ़र्क हैं वही आधे अधूरे को के अधूरे पात्रों को पूर्णता प्रदान करता है, और वहाँ मल्लिका का सारा समर्पण उसे पूर्णता प्रदान करता है उस नाटक को। और एक सबसे बड़ी बात कि घर का हर सदस्य घर से भाग जाना चाहता है, चला जाना चाहता है, पर लौटकर वापस वहीं आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस सामाजिक प्राणी होने का जो पहला कड़ी आती है वो घर है, और शायद इस घर का जिक्र बार बार इसीलिए आता है क्योंकि लेखक की सोच का गहरापन इतना है कि वो इस बात से आक्रांत है बहुत जल्दी भविष्य में मनुष्य और उसके सामाजिकता की पहली कड़ी उसका घर दूर कर दिए जाएंगे, और इस दूरी के आ जाने के बाद कौन किस तरह से कहाँ रह पाएगा, ये बेचैनी ये छटपटाहट बार बार नाटक में आती है, और यही शायद उत्तर आधुनिक नियति है, जी हाँ। घर की तलाश जी, घर का होना या ना होना मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रश्न बन जाता है। नाटक शुरू ही होता है उसमें वो घर की छोटी बच्ची घर में आती है और पूछती है, दरअसल देखा जाए तो पूरे नाटक के केंद्र में घर है और घर के अधूरे लोग हैं। वो घर आती है और आते साथ वो कहती है कि मैं जब भी घर में आती हूँ घर में कोई होता ही नहीं है, जब किसी को होना चाहिए तब कोई होता नहीं है, और आज जब सब हैं तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन्नी भी है, किन्नी भी है। तो ये जो संवादहीनता वाली, एक दूसरे से अलगाव वाली, ये जो परिस्थितियाँ हैं ये आधुनिक मानव की नीति है, और 70 के दशक में मोहन राकेश उत्तर आधुनिक मानव की नीति को समझ रहे थे, ये इस नाटक की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आधे अधूरे की प्रासंगिकता ही यही है कि हम उस अधूरेपन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं जो हमारी पूर्णता को परिलक्षित करेगा, और हम इस अधूरेपन के खालीपन, इसकी रिक्तता से कैसे मुक्त हो सके, और इसके अंदर जो भी थोड़ी सी पूर्णता हमें दी गई है उसके आनंद को सुरक्षित रख सके, इस बात का एक प्रयास है।